और टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा एक ऐसी घटना है जिसका उल्लेख कई सारे मूवीज और किताबों में है, जैसे कि ये एक अल्टीमेट किस्म का विज्ञान है जो इंसान की जिंदगी ही पूरी तरह से बदल देगा। आपने कई बार ऐसी कामनाएं जरूर की होगी कि काश हम समय यात्रा कर पाते और अतीत में जाकर अनचाहे घटनाओं को बदल पाते। पर क्या लगता है, यही सवाल हमारे इतिहास के महान वैज्ञानिकों को नहीं आया होगा? अक्सर आया है, और इतिहास में ऐसे ही कुछ विचित्र एक्सपेरिमेंट का जिक्र भी है जो आपकी दुनिया देखने का नजरिया ही बदल देंगे। तो बिल्कुल बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमय एक्सपेरिमेंट द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का सच जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा समय पहले नहीं बल्कि आइंस्टाइन के ही दौर में, जब स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी थियोरीज हर किसी जुबान पर छाई थी, कुछ ऐसे चौंकाने वाले वाकये दुनिया के सामने आए जिन्हें देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। उन दिनों शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज भी होती है। देखा जाए तो उस वक्त इन घटनाओं पर भरोसा कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि बहुत कम लोगों को विज्ञान की ये नई भाषा समझ आती थी जिसे आइंस्टाइन ने हमें सिखाई थी। लोग धीरे-धीरे आइंस्टाइन के इक्वेशंस को समझ रहे थे, जिनकी वजह से भविष्य में स्पेस रिसर्च और हमारी दुनिया की समझ नई ऊंचाई हासिल करने वाली थी। पर क्या ये नए विज्ञान के अनुसार समय यात्रा सच में मुमकिन था? वेल, 1930 में एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर एल बीलेक नाम के एक शख्स ने एक अविश्वसनीय खुलासा किया कि यूएस की नेवी एक ऐसे प्रयोग पर काम कर रही है जिससे वॉरशिप्स यानी लड़ाकू जहाजों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शक्ति की मदद से थोड़ी देर के लिए अदृश्य यानी इनविजिबल किया जा सकता है। बीलेक के मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि आइंस्टाइन खुद ही थे। उस समय जर्मनी के नाजी पार्टी के सैनिकों द्वारा लगाए गए मैग्नेटिक माइंस से बचने के लिए लड़ाकू जहाजों को चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगाया गया ताकि उन्हीं बॉम्ब्स को चकमा दिया जा सके। इस एक्सपेरिमेंट को सफलता तब मिली जब मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने एक छोटे नाव पर इस तकनीक को आजमा कर देखा। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को बड़े वॉरशिप्स पर आजमाने का वक्त आया, तब निकोला टेस्ला किसी विचित्र कारणवश पीछे हट गए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को दूसरे साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन को सौंप दिया। इसके साथ एक गुप्त सी चेतावनी भी दी कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा जाए तो बड़े ही भयानक परिणाम हो सकते हैं। मगर इस चेतावनी पर इतना गौर नहीं किया गया। जॉन वॉन न्यूमैन यूएसएस एल्ड्रिज नाम का एक ऐसा लड़ाकू जहाज बनाने में कामयाब रहे, लेकिन 12 अगस्त 1953 में आया वो रहस्यमय दिन जब इसी एक्सपेरिमेंट का दूसरा टेस्ट फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया गया। अचानक से हरे रंग की धुंध सामने आई और उस वॉरशिप को पलक झपका ते ही अपने चपेट में ले ली और फिर कुछ देर के लिए वो गायब हो गई। एल बीलेक के मुताबिक यूएसएस एल्ड्रिज का अचानक से गायब हो जाना और कुछ घंटों बाद उसी जगह वापस आ जाना निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर के बदौलत हो पाया था। विज्ञान के भाषा में कहा जाए तो ये तकनीक पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देती है और इस तरह से ऑपरेट करती है कि किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस पर उस चीज के बजाय हमारे गैलेक्सी के सेंटर से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड्स को दर्शाती है। सरल भाषा में समझा जाए तो सभी ट्रैकिंग डिवाइसेस के लिए यूएसएस एल्ड्रिज अदृश्य हो चुका था। पर चौंकाने वाला खुलासा तो तब सामने आया जब एल बीलेक ने ये कहा कि वो जहाज कुछ घंटों के लिए गायब तो जरूर हुआ था, पर उसी दौरान वो जहाज एक सफर करके वापस आया। सफर समय यात्रा का। जहाज के वापस आते ही कुछ सेलर्स आग में बुरी तरह से झुलस चुके थे और कुछ भयानक तरीके से बीमार हो चुके थे। कुछ सेलर्स तो उस जहाज के मैटर के साथ इस तरह जुड़ चुके थे कि मानो उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही शिप के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से एक हो चुका है। एक सेलर दूसरे दिन ही अचानक से हवा में गायब भी हो गया। एल बीलेक का कहना था कि वो और उसका भाई उस जहाज के क्रू मेंबर्स थे और उस टाइम वॉर्प के दौरान वो दोनों 1983 के टाइमलाइन में लॉन्ग आइलैंड पर बने हुए एक खुफिया सरकारी फैसिलिटी पर जा पहुंचे। आइंस्टाइन की थ्योरी के बदौलत ये माना गया है कि ब्रह्मांड में चार आयाम यानी डायमेंशंस है। लेकिन इसी घटना के बाद बीलेक ने एक और अनोखी बात दुनिया के सामने रखी और वो ये थी कि हमारा ब्रह्मांड चार नहीं बल्कि पांच डायमेंशन से बना है, जिसमें चौथा और पांचवा डायमेंशन टाइम है और हर इंसान एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में लॉक होता है जिसके वजह से कोई भी इंसान दूसरे टाइमलाइन में नहीं जा सकता। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के वजह से टाइमलाइंस रप्चर हो गए थे जिसके चलते एक वर्म होल क्रिएट हो गया और एल बीलेक और उसका भाई किसी और वक्त में चले गए 40 साल भविष्य में।
सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी लगती है, पर ये खुलासे खुद एल बीलेक ने किए। एल बीलेक और उसका भाई जब लॉन्ग आइलैंड पर पहुंचे, तब वहाँ द मोंटॉक प्रोजेक्ट चल रहा था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर विज्ञान आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, इवन इफ उसे इंसानों और जानवरों पे जुल्म करना पड़े। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट में साइकोट्रॉनिक्स, ब्लैक होल सिमुलेशन और वेदर कंट्रोल जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जेक्ट्स को मटेरियलाइज करते हुए भी पाया गया, जिसका मतलब कि अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो तो वो चीज आपके सामने खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में तो टेलीपोर्टेशन और ब्लैक होल क्रिएशन जैसे रिजल्ट्स भी पाए गए। इंटरेस्टिंग बात तो यह है फ्रेंड्स कि इस प्रोजेक्ट में जो भी शामिल था उस हर एक शख्स की मेमोरी इरेज कर दी गई भविष्य में, पर फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि उनके दिमाग में उस प्रोजेक्ट की धुंधली यादें फिर भी बसी हुई थी और वही यादें एल बीलेक दुनिया को बता रहा था, वो सच्चाई जिसे दफनाने की पूरी कोशिश की गई थी। तो फ्रेंड्स, अब एक सवाल बिल्कुल खड़ा होता है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या सच में जहाज ने टाइम ट्रैवल किया था, या फिर ये कहानी सोच समझकर फैलाई गई है किसी के अपने फायदे के लिए। कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैलाने में इंसान जल्द ही पैसा और फेम कमा बैठता है, क्या ये मोटिवेशन हो सकता है इसके पीछे, या फिर उस एक्सपेरिमेंट के बाद ही एल बीलेक को डिमेंशिया डायग्नोस किया गया, जो भूलने से संबंधित मानसिक बीमारी है, और उनका बचपन में साइंस फिक्शन को लेके पागलपन डिमेंशिया के साथ मिलकर उनके मेमोरी गैप्स को अपने अंदाज में फिल करने की कोशिश कर रहा हो। ये बिल्कुल हो सकता है। अब वजह जो भी हो, कुछ लोग फिर भी मानते हैं कि ये एक असल सच्चाई है, पर मैं पर्सनली नहीं सोचता कि सच सच्चाई से कोई वास्ता है, क्योंकि हमारी आजकल की लेटेस्ट थियरीज में भी विज्ञान इस रूप में काम नहीं करता। अब ये मेरा ओपिनियन है, पर असल सच क्या है इसका जवाब फिलहाल किसी के भी पास नहीं। शायद भविष्य में हम इस विषय पर कुछ नई जानकारी पा सके, और तब तक के लिए ये एक्सपेरिमेंट शायद एक राज ही बन के रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी राय में क्या ये एक्सपेरिमेंट सच है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताना, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।